बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और मैं आई हूँ आज यहाँ नर्सरी और कुछ प्लांट वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्लावर आए हुए हैं और मनी प्लांट वगैरह देख रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से हमने अभी ख़त्म किए हुए हैं। और एलोवेरा देख रही हूँ और भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। तो अभी देख रहे हैं कि तो देखते हैं कि कौन कौन से लेने हैं। तो हस्बैंड जो है तो ये चमेली के जो फ्लावर ये कहा है कि लेने हैं, तो इस तरह बाय लोन में लगाने हैं, सारे इस तरह साइटों पर लगाएंगे। और घास का पता कर रहे हैं, पहले हमने जो है तो घास लगाई थी तो वो सही नहीं लगी, ख़राब हो गई सारी। तो फिर दोबारा पता कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, तो लेंगे इंशाल्लाह फिर कभी वो भी जो है तो लगवाएंगे, लोन में लगाएंगे। फिर उसके बाद घर आके तो ये फिश ली थी, तो इसको मसाला वगैरह लगा के मैंने जो है तो फिश में रख दिया था। रोटियां वगैरह मैंने बना ली हैं, तो नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं फ़िश को जो है तो फ्राई कर रही हूँ अभी। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो अभी बस ये फ्राई हो रही है। और यहाँ पे जो है तो फिश फ्राई हो गई है और बस अभी हम खाना खाते हैं। और जो है हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं तो बस खाना खाते हैं। और फिर और जी खाना खाने के बाद फिर जो है तो मैंने ग्रीन टी बनाई है और अभी बस ग्रीन टी पीते हैं। और बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं सारे जितने भी थे। और ये जो कल लेके आई थी ना मैं नर्सरी से, तो अभी इनको ये लगा रहे हैं हम, चमेली के फूल हैं और ये सारे इस तरह हम। तो अभी यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता मैंने बना लिया है तो सब बच्चे भी और हस्बैंड, तो अभी हम नाश्ता करते हैं। तो जी मैं किचन में आ गई हूँ अभी और दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज चावल बना रही हूँ। चने जो हैं ये मैंने बॉयल करके रख लिए थे और जो है अभी मैं चना चाट बना रही हूँ और साथ में जो है तो चावल बना रही हूँ। तो इसमें जो है तो मैंने छोटा छोटा जो है ना काट के प्याज और टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक थोड़ा सा डाल दिया। अभी ये चाट मसाला डाल दूँगी। और जी ये मैंने आलू काट के रखे हैं तो ये भी डाल दूँगी। और फिर इसमें मैं दही मिक्स कर दूँगी। तो चावल भी हैं जो तो मैंने दम पे रख दिए हैं तो तकरीबन वो भी बस तैयार होने वाले हैं।
और जो है तो मैंने इसमें दही और आलू डाल के और चाट मसाला, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और बस चावल भी मैंने और बस चावल मैंने दम पे रख दिए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं दम से इन्हें वापस करती हूँ और फिर हम खाना खाते हैं दोपहर का। तो बस यहाँ पे चावलों को दम आ गया है और जो है चाट भी मेरी बन गई है। तो बस मैं सबको खाना बना देती हूँ। और आज वैसे भी बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, काम बहुत ज़्यादा हो गया था और शीट्स वगैरह धोनी है और भी बहुत ज़्यादा काम थे। तो बस मैंने चने बॉईल करके और जल्दी जल्दी से बस चाट बनाई है और चावल बना लिए हैं। तो बस अब हम खाना खाते हैं।